वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 जून करंट अफेयर्स जीके 2020। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? 22 अप्रैल, 15 मार्च, 21 जून, 12 जनवरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 21 जून सी। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटाने की घोषणा की है? जापान, रूस, ब्राजील, भारत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जापान ए। क्वेश्चन नंबर तीन, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? नेपाल, चीन, रूस, जिम्बाब्वे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जिम्बाब्वे डी। क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश सी। क्वेश्चन नंबर पांच, भारतीय भोत्तोलन महासंघ IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश, चीन, रूस, जापान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा चीन बी। क्वेश्चन नंबर छह, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए? मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर लोगों में किस सूची पर पहुंच गए, मतलब कितने स्थान पर पहुंच गए? तीसरे, चौथे, सातवें, नौवे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा नौवे डी। तो दोस्तों मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, वो नौवे स्थान पर पहुंच गए अमीर लोगों के में। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर सात, विश्व संगीत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 15 जनवरी, 20 मार्च, 11 मई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 21 जून ए। क्वेश्चन नंबर आठ, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया
वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी, मतलब जो विद्या बेन सा हाल ही में उनका निधन हो गया है, वो किस पुरस्कार से जुड़ी हुई थी, मतलब वो किस पुरस्कार से सम्मानित की गई थी विद्या बेन सा। मतलब जो वो विद्या बेन थी वो किस पुरस्कार से जुड़ी हुई थी और वो किस क्षेत्र से, मतलब जो विद्या बेन थी वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, अभिनेता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक कार्य से जुड़ी थी, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी। जो विद्या बेन थी उनका निधन हो गया है हाल ही में, वो सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की तैयारी की है। ओडिशा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। ए साठ हजार करोड़ रुपए निवेश करने की योजना तैयार की महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL ने हाल ही में 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना तैयार की, वो ओडिशा में की। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिका डॉलर की राशि मजदूर की, मतलब जो 1.5 बिलियन अमेरिका डॉलर की राशि मंजूर की है वो किस देश ने की है, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, रूस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। तो दोस्तों जो विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिका डॉलर की राशि मंजूर की है, वह देश है बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश सी। थैंक यू दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें।